What's up everyone, this is Wicket Rider, welcome back to the channel again. और आज का वीडियो जो होने वाला है that will be on TVS Apache RR310 का थर्ड सर्विस, क्योंकि as you know मैंने Instagram पे काफ़ी टाइम से अपडेट कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड. ओवरऑल बात ये है कि हम लोग 27 तारीख को निकलने वाले हैं लद्दाख राइड के लिए, तो जर्नी अमेजिंग रहेगी. यहाँ से जो मनाली तक का जो सफ़र है वो बस स्ट्रेच करना है, क्योंकि हम लोगों को टाइम जितना ज़्यादा मिले लेह लद्दाख में स्पेंड करने का उतना ज़्यादा ट्राई करेंगे. बट कोई हरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती का कोई डिस्टेंस खींचेंगे वहाँ तक. तो बात ये है कि अभी जो TVS Apache RR310 जो है मेरे पास, इसका सर्विस ड्यू है. अभी जो डिस्टेंस कवर हो चुका है दैट इज़ 9726, तो 10,000 किलोमीटर से पहले पहले सर्विस करानी होती है, तो उसी चक्कर में मेरे को आज जाना पड़ रहा है TVS के सर्विस सेंटर. तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो मेन बात यह है कि यहाँ अभी मेरे को सर्विस करने के लिए देना है. अभी वैसे 10:30 बज चुका है, बट टाइमिंग एक्चुअली मेरे को पहुँचना था 9:30 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया. आई जस्ट होप कि RR310 का सर्विसिंग के लिए और कोई व्हीकल ना आया हो, क्योंकि TVS की प्रीमियम बाइक है और जो सर्विसिंग है इसकी ये भी अलग होती है. तो मतलब जहाँ बाकी बाइक सर्विस होती है वहाँ पे नहीं होती है, अलग जगह सर्विस होती है TVS Apache RR310 की. उसके चक्कर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाइक की सर्विस थोड़ा सा जल्दी होके मिल जाएगी. तो अभी देखते हैं यहाँ से सर्विस सेंटर जाके TVS Apache RR310 के फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस की. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ये, देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन कमिंग ऑन द पॉपअप. और अभी वाला जो है ट्राई करूँगा पूरा डिटेल में कवर करने का कि क्या क्या चीज़ें, कितना कितना पार्ट, क्या क्या प्राइस जो है हम लोगों का लगा सर्विस सेंटर पे, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई मेजर सर्विस में. तो वो चीज़ ज़रूरी है, आप लोगों को पता लगनी चाहिए. बाकी तो छोटा मोटा इन्फो कहीं पे मिल जाता है. ट्राई करूँगा बीच बीच में छोटा छोटा शॉर्ट्स लेके आप लोगों को दिखाने का कि कैसे कैसे सर्विस हो रही है. तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं TVS का सर्विस सेंटर. आज काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है मार्केट, आई डोंट नो व्हाई, बट जो अपने को है सर्विस सेंटर यहाँ पे देनी है बाइक अपनी. तो इधर वाले रूट पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है. कॉल कर लेते एक बार शशि भाई को. और शशि भाई, सो अभी जो बाइक है अपनी वो वॉश होके मिल चुकी है, बड़ी सही लग रही है यार. बहुत गंदी हो गई थी कन्याकुमारी की राइड के बाद में, एंड आज जाके धुली है प्रॉपरली, तब से मैं बाइक को छू नहीं पाया लिटरली. तो अभी यहाँ से चार्ज शीट और वो सब बन गया है यहाँ पे, एंड उसके बाद में जो यहाँ पे TVS का Apache RR310 का जो सर्विस होता है वो होता है फर्स्ट फ्लोर पे, और बाकी सारी बाइक्स का यहाँ पे नीचे बेसमेंट में होता है. ये देखो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी मिल जाना चाहिए सर्विस के बाद में. एंड यहाँ से अभी अपने बाइक को पहले माले पे चढ़ाया जाएगा जहाँ पर अमिताभ बच्चन वेट कर रहे हैं अपना. तो बाइक अपनी पहले माले पे पहुंच चुकी है, अपन लोग भी पहुंचेंगे, और अगर यहाँ से बाइक गिर गई तो बाइक आउट क्या हाल होगा. अभी हम लोग भी चलेंगे ऊपर और सर्विस देखेंगे कैसी होती है. तो अभी यहाँ पे सर्विसिंग चालू होगी अपनी. इंजन ऑयल जो था देख सकते हो क्या हाल हो रखा है. और यहाँ पे जो मेन है थर्ड सर्विसिंग में जो मेन चीज़ें चेंज होती हैं दैट इज़ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, और बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ ख़राब है तो चेंज हो जाता है, अगर नहीं ख़राब है तो उसको वैसे ही बने रहने देते हैं. अभी टाइम लगेगा थोड़ा सर्विस करते हुए में, और सर्विस होके जैसे ही अपने को बाइक मिलती है तो उसके बाद में आपको बताता हूँ कि कितना कितना क्या क्या प्राइस लगा किस चीज़ का. तो अभी बाइक में ऑयल सील चेंज हो चुका है जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा. पहले वाला पूरा मेजर सर्विस के बाद में निकालना पड़ता है, और अभी न्यू वाला लग गया है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में चेंजेस आ जाते हैं. फैक्ट अभी एयर फिल्टर और चेंज होगा.
पूरे बाइक का सर्विसिंग हो चुका है एंड अभी यहाँ से नीचे जाके बिलिंग विलिंग कराएंगे, उसके बाद में देखेंगे कितना बिल खर्चा हुआ है। भाई लद्दाख का ट्रिप का खर्चा चालू हो चुका है, वैसे तो एक महीने से चल ही रहा है। और कमाल की बात कि ये जो गोप्रो का माउंट है ये मेरे को आज टैंक के अंदर मिला, मतलब जो ऊपर वाला प्लास्टिक का कवर है उसके अंदर मिला। जब रैप करा रहा था उसने कहाँ से लेके पता नहीं अंदर चिपका दिया। अपनी बाइक पहले माले से नीचे आ चुकी है और अभी अपने को फटका पड़ने वाला है, देखते कितने का फटका पड़ता है। चलो जी, वैसे एक बात बताओ कि अपनी साइकेडलिक वाली जो RR310 है वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि रेड वाली? कमेंट डाउन करके बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट में कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड अभी देखते हैं अपने को बिल कितने का पड़ता है। तो आपको सर्विसिंग का चार्ज बता देते हैं, दैट इज चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग, इसका लगा 354, फिल्टर होल्डर 304, फिल्टर कॉम्प इंजन, तो ये जो ऑयल सील ऑयल फिल्टर जो था वो पड़ा 271 रुपीज़ का, और जो ऑयल इंजन ऑयल मोटुल का पड़ा दैट इज़ 336, और जो टोटल अमाउंट पड़ा मेरे को पड़ा 1500 रुपीज़ का। काफ़ी फटका नहीं लगा एक्चुअली, काफ़ी कम पे सर्विस हो गई, हो बच गए ज़्यादा पैसे खर्चने से। सो एक चीज़ और मैंने सोची जो कि बाइक में मेरे ख़राब हो गई थी, जो पीछे वाली जो सीट्स थी उसका पूरा ऐसा हाल हो चुका है, सो आई थॉट टू चेंज द सीट कवर। तो एग्जैक्टली सीट कवर नहीं चेंज हो रहा, बट उसके ऊपर जो एक टेक्सचर वाला मैंने ये लगवा रहा हूँ जिसका अभी काम चल रहा है, तो इसका प्राइस है सिर्फ 450 रुपीज़। तो अच्छा है एटलीस्ट धूप में ख़राब नहीं होगी सीट, वैसे भी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, पहले वाली स्टॉक वाली जो थी। जब लग जाती है उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा लगेगा। तो अभी देख लो अपने बाइक की क्या फिनिश लग रही, मस्त वाला काम किया, नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो ऐसा छोटे छोटे चीज़ों से बाइक अच्छी लगने लग जाती है। अभी अपन लोग निकलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। ऑलराइट, तो आज हम लोगों का दो काम हो गया है, एक तो बाइक की सीट अभी कंफर्टेबल लग रही है, ग्रिप लग रहा है, पहले बिल्कुल ग्रिप नहीं लगता था, और बाइक की सर्विस हो चुकी है। डिस्टेंस जो कवर हो चुका है बाइक में दैट इज़ शोइंग इन ओडोमीटर इज़ 9731 जो डिस्टेंस है बाइक पे कवर हो चुका है, और जो लद्दाख की राइड है उसके वापस आने के तक 8000 किलोमीटर और कवर हो चुका होगा। तो ओवरऑल जो है बाइक सर्विसिंग का प्राइस वाइज काफ़ी कम लगा कंपेयरिंग टू अदर बाइक्स, क्योंकि बाकी बाइक्स में अगर आप मेजर सर्विस कराते हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस में लग जाता है। TVS की स्पेशली एक चीज़ अच्छी है कि जो बाइक की मेंटेनेंस है दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि अगर आप 1500 थर्ड सर्विस जो मेजर सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर के बाद में अगर उसको कंपेयर करोगे, जो भी प्राइस अभी ये पे किया है मैंने 1500 रुपीज़, दैट इज़ वेरी लेस। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक का व्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, और व्लॉग पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि कैसा लगा, मोटिवेशन मिलती है उससे, और ऐसे ही और व्लॉग्स बनाने का भी मन करता है जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प हो पाए। तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि कैसा लगा आप लोगों का आज का व्लॉग, और अगर कुछ क्वायरी है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ID विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल, जो कि अभी पॉपअप में आ रही होगी, तो फॉलो कर दो मेरे को, वहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट डालता हूँ, तो आप लोगों को भी पोस्ट देख के मज़ा आएगा, स्टोरीज भी डालते रहता हूँ जो भी अगली राइड की होती है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। विद दैट सेड, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट राइड पे। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।